हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में स्मार्ट ऑर्डर कैसे प्रोसेस करे जाते हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, एक सिंपल ऑर्डर और एक होता है स्मार्ट ऑर्डर। जब हम स्मार्ट फुलफिलमेंट पे इन्वर्ट कर देते हैं अपने ऑर्डर्स, तो इसके ऑर्डर्स अलग आते हैं। अब जो हमारे जो सिंपल ऑर्डर्स होते हैं वो सिंपल एक्टिव ऑर्डर्स के अंदर शो करते हैं। जैसे देखिए, इस टाइम मेरा भी 24 ऑर्डर्स हैंड ओवर में जो मैंने डिस्पैच कर चुका हूँ, पर हमें अभी डिस्पैच करना है स्मार्ट वालों को। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स, इस पर क्लिक करते ही स्मार्ट वाले ऑर्डर्स आएंगे। जैसे मेरे अभी दो ऑर्डर्स पड़े हैं जिन्हें मुझे डिस्पैच करना है। तो ऑर्डर्स पहले होते हैं अपकमिंग ऑर्डर्स में, इस वाले में। जैसे मेरा अभी एक ऑर्डर अपकमिंग में है, ये आएगा न्यू ऑर्डर्स में, तब मेरे को इसको डिस्पैच करना पड़ेगा। जो हमारे डिस्पैच होते हैं ऑर्डर, उसको होते हैं डिस्पैच वाले टैब में, जैसे यहाँ पर। और मैंने जो डिस्पैच कर रखे हैं वो आते हैं हैंडओवर में। जैसे अभी मेरे 10 ऑर्डर्स हैंडओवर में पड़े हैं। इन ऑर्डर्स की हम डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कितने रुपए का ऑर्डर जा रहा है हमारा, डिस्पैच कब से कब तक करना है। तो यहाँ से हमें इनकी डिटेल्स भी दिख जाती हैं। पर हमारा अभी मेन मोटिव है इन्हें डिस्पैच करना, तो हम जाते हैं डिस्पैच करने के लिए। डिस्पैच करने के लिए कुछ नहीं, सीधे जनरेट जो पिक लिस्ट है इस पर क्लिक करना है, रेगुलर पर क्लिक करना है, फिर हमें क्लिक करना है क्रिएट पे। क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे, जो हमारी पिक लिस्ट होगी वो रेडी होकर डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे ये हमारी डाउनलोड हो गई, फिर हमें इसे खोलना है। तो इसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्डर्स होंगे ना, उनकी लिस्टिंग आईडीज होती हैं, उन्हें हमें कॉपी करना है सिंपल। उसके बाद हमें डिस्पैच करने के लिए इस ब्लू लाइन पर क्लिक करना है, जो इसकी पिक लिस्ट आईडी है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम डिस्पैच वाले टैब में चले जाएंगे। जैसे अभी मैं क्लिक कर दिया, अब हम डिस्पैच वाले में आ गए। तो अब हमें सिंपल वापस कुछ नहीं करना, वो जो पिक लिस्ट है उसको खोलना है, उसकी जो लिस्टिंग आईडी है उसे कर लेना है हमें कॉपी। खाली हमें लिस्टिंग आईडी कॉपी करनी है। उसे जब हम कॉपी करेंगे तो इसके अंदर आके हमें इसे पेस्ट कर देना है। जिनके पास स्कैनर होता है वो तो स्कैन करके कर लेते हैं, पर हमें फिर इसके अंदर पेस्ट करके उसे एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद हमारा बारकोड बन के रेडी हो जाएगा। फिर हमें इसको या तो प्रिंट कर लेना उसी टाइम, या फिर सेव पीडीएफ। मैं उसी टाइम प्रिंट कर लेता हूँ, इसलिए तो मैंने प्रिंट पर क्लिक कर रखा है। अब हमें इसकी जो ट्रैकिंग आईडी होती है हमारे बारकोड की, उसे हमें कर लेना कॉपी। अब लोगों के पास जो स्कैनर होते हैं वो तो इसकी जो राइट में ये नीचे बारकोड आ रहा है इसको स्कैन कर लेते हैं, पर हमें करना है इसकी ट्रैकिंग आईडी कॉपी। अब आप देख लो मैं किसको कॉपी कर रहा हूँ, ट्रैकिंग आईडी कैंसिल करना है, फिर इधर कर देना है पेस्ट। उसकी ट्रैकिंग आईडी हमें यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हमें सिंपल करना है एंटर पर क्लिक। एंटर पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा प्रोसेस। अब वो ऑर्डर हो चुके हैं हमारे डिस्पैच। हमें डिस्पैच करने के बाद एक चीज़ और करनी होती है, हमारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनके हमें डाउनलोड मैनिफेस्ट कर लेनी होती है, जिससे हमारे पास प्रूफ रहे कि हमने जो पिकअप बॉय को हमने अपनी पिकअप दी है उसका हमारे पास प्रूफ रहे। जैसे मैंने डाउनलोड कर ली, इस डाउनलोड करके इसको आप सेव कर सकते हैं अपने पास। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।